या मंत्र। नीरू भाटिया जी पानीपत से। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अपने एक दोस्त से पार पाना चाहती हूँ। महाराज जी, दूसरों के बुरे व्यवहार से मन परेशान हो उठता है, वही चिंतन करता है और अपना मन ही मलिन कर लेती हूँ। दूसरों के दोषों की सजा अपने को देती हूँ। महाराज जी, मेरी अध्यात्म उन्नति हो ऐसी कृपा करें। नाम जप, जब तक नाम जप नहीं किया जाएगा तब तक जानते हुए भी हम वो आचरण में नहीं उतार सकते। आध्यात्मिक गुणों को धारण करने के लिए, आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए हमारी सामर्थ्य बढ़नी चाहिए, वो बढ़ेगी नाम से। नहीं तो विषयों के सेवन से, प्रपंच के चिंतन से हम अध्यात्महीन होते जा रहे हैं। जो विषय, जो चिंतन जब जैसा चाहता है हमसे करवा लेता है, इसको रोकने के लिए सामर्थ्य है नाम। आप जितना नाम और मंत्र जप करेंगे उतने ही आप आत्मबलवान बनेंगे, और जो आत्मबल अध्यात्म बल है उसी के द्वारा हम इंद्रियों को शासन में ले सकते हैं। दूसरा तो कोई हमें गिरा सके ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता, हम खुद गिर जाते हैं, हम खुद उसे स्वीकार करते हैं। पहली बात तो किसी में जो दोष दिखाई दे रहा वो हमारे अंदर है, तभी हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा। अगर हमें दूसरा गंदा दिखाई दे रहा तो आप गंदे हैं, दूसरा झूठा दिखाई दे रहा तो आप झूठे हैं, दूसरा आपको नाना प्रकार के कुमार्गामी वृत्तियों वाला दिखाई दे तो आपके अंदर नाना प्रकार की कुमार्गामी वृत्तियां हैं। नहीं, जब आप में राम आ जाएंगे तो सब में राम देखोगी, श्याम आ जाएंगे तो सब में श्याम देखोगी। ऐसे जो दोष दिखाई दे रहा वो तुम में है, फिर आपको लौट पड़ना चाहिए बाहर से कि अपना ही घर गंदा है तो मैं दूसरे को क्या देखूं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने हृदय को साफ कर, कैसे? नाम जप, राधा राधा राधा। श्री जी, हमारी बुद्धि को पवित्र करो, हमारे मन को पवित्र करो और खूब नाम जप करो, लीला गायन करो, प्रभु की सेवा में मन को लगाओ, ठीक हो जाए। अब ये सब करो नहीं हो कह दो ठीक हो जाए तो रोग बढ़ चुका है, फिर वो तो फैल जाएगा। जल्दी से जल्दी इसका समन होना चाहिए, नहीं तो कई जन्मों तक फैलता चला जाएगा। पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर श्रवण और कथन, ये जितना आदमी को नष्ट करती उतना और कोई नहीं। जब हम दूसरों की निंदा करने लगते हैं, दूसरों के दोष दर्शन देखने लगते हैं, दूसरों की निंदा सुनने लगते हैं, तो हमारा अहंकार बढ़ता चला जाता है। वह अहंकार बढ़ना यही पतन है, यही नाश कर देता है। इसलिए अहंकार गलित हो और दैन्यता आवे, दूसरों में प्रभु दिखाई दे, ये बात हमारी है। भक्त का क्या है? सब में अपने प्रभु को देखना। अगर कहीं दोष दिखाई दे रहा तो लौट पड़ता है, ये हमारे अंदर है। जैसे हम हरा चश्मा लगाए हो तो बाहर हरा ही दिखाई देगा, यद्यपि हरा ना भी हो तो भी दिखाई देगा। ऐसे ही हमारी दृष्टि दूषित है, इसलिए हमें दूसरे में दोष दिखाई दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें नाम जप के, भगवत लीला गुण के प्रभाव से अपनी बुद्धि को निर्दोष करना चाहिए, अपनी बुद्धि को। ऋषिपाल खतौली से।